अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। आप सब स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है, हम ADC पार्ट 1 और ADC पार्ट 2 की एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 करवा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ADC पार्ट 2 की जिस बुक के बारे में आपको क्वेश्चन बताने लगे हैं, ट्यूटोरियल देने लगे हैं, वो बुक है EOP, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम प्रीवियस वीडियोस में 3 क्वेश्चंस आपको दे चुके हैं, 3 क्वेश्चंस आप स्टूडेंट को हम दे चुके हैं। उन 3 क्वेश्चंस में जो भी क्वेरी है आप स्टूडेंट्स की, जो भी परेशानी है, उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान के आपको 15 क्वेश्चन देंगे। उन 15 क्वेश्चन में से ही आपको इंशाल्लाह पेपर आएगा, चाहे वो स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स सरगोधा यूनिवर्सिटी हैं, या वो स्टूडेंट गुजरात यूनिवर्सिटी से हों। तो आप स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमारे दिए गए हुए क्वेश्चन पे फोकस करें, इसको याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कोशिश करें वीडियो को देखने की, मेरे वर्ड्स को सुनने की, क्योंकि जो चीज़ वाइट बोर्ड पे लिखी होती है उससे ज़्यादा जो चीज़ सुनने वाली या याद करने वाली होती है वो है हमारे वर्ड्स। तो काइंडली वीडियोस को सुना करें, देखने से कम उस चीज़ को सुना करें। तो आप स्टूडेंट्स को पता है कि हम इस चैनल में 9th, 10th, 1st ईयर FSC, ISS, ICOM और BCOM तमाम की वीडियोज़ अपलोड करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट ये थी कि सर BCOM के स्टूडेंट्स हमें ज़्यादा नहीं अच्छी तरह पढ़ाया जाता कॉलेज में और अकेडमीज वगैरह में, ताकि हमारी प्रिपरेशन करवाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने आपको इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान के 3 वीडियोस आपको दे दिए हैं, 3 क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। आज हम जिस क्वेश्चन की बात करेंगे वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही बिलोंग करता है क्वेश्चन, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक इजाफी पोर्शन है कॉटन इंडस्ट्री, जिसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी कहते हैं। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। वैसे क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब 15 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ SMCS एंड कॉटन इंडस्ट्री। मतलब कहने का ये है कि किसी भी मुल्क में, जैसा कि हम पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री, इसका क्या रोल है, रोल का मतलब होता है करदार, और इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। क्वेश्चन को मैं डिटेल में नहीं करवाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है आपके पेपर्स के लिए। तो आप स्टूडेंट्स से बार बार हर वीडियोस में यही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप स्टूडेंट्स वाइट बोर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको अच्छी तरह, चाहे रट्टा लगाएं, जो कुछ मर्जी करें, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, ताकि आप कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में लिखने के काबिल हो सके। YouTube पर जितनी भी वीडियोस आप देखेंगे उन वीडियोस में आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। हम अपने इस चैनल में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उसका सल्यूशन भी देते हैं। तो आप बच्चों, अगर मैं इसको समझाने बैठ गया तो हर वीडियोस मेरी काफ़ी लेंथी हो जाएगी और हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि अभी हमने हर सब्जेक्ट को कवरअप करना है। तो रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटन इंडस्ट्री, मैं इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आपको ओरली समझा देता हूँ, ताकि आप जब इसको खुद स्टडी करें आपको परेशानी ना बने। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या है, कॉटन इंडस्ट्री पहले समझते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसे कहते हैं? वो इंडस्ट्री जो छोटे पैमाने पर होती है, जिसको सेटअप करने के लिए थोड़े से पैसे की ज़रूरत होती है, कम पैसे दरकार होते हैं, कम प्लेस चाहिए और कम आपको उसमें मार्केट चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसी इंडस्ट्री जो बिल्कुल छोटे पैमाने पर शुरू की जाए, जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कुछ खवातीन, उन्होंने एक सिलाई सेंटर बनाया होता है, तो वो क्या है, वो SMCS में आता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है। तो इसकी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसकी वजह क्या है? देखिए, जब हम छोटी छोटी सनतों को ज़्यादा मुल्क में अहमियत देंगे, ज़्यादा उनको डिवेल्प करेंगे, बनाएंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे मुल्क की इकोनॉमी ग्रो होना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता वो फिर स्मॉल इंडस्ट्री कन्वर्ट हो जाती है लार्ज इंडस्ट्री में। तो
तो हमारे मुल्क में चाहिए, हर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पहले क्या करें, हमारे छोटे छोटे कारखानों को, छोटी छोटी फैक्ट्रियों को अहमियत दे। तो कॉटन इंडस्ट्री, जैसे रुई, रुई से ही कपड़ा बनता है, आप लोगों को भी पता है, तो रुई इंडस्ट्री भी आपकी क्या कहलाती है, कॉटन इंडस्ट्री। ये भी आपकी SMCS में आती है। तो कॉटन इंडस्ट्री, अगर फ़र्ज करें मैं या आप, हमारे पास 10-15-20 लाख रुपए है, हम चाहते हैं कोई ना कोई इंडस्ट्री ओपन करें, तो लार्ज इंडस्ट्री ओपन करने की बजाय अगर हम छोटी से काम शुरू करें, तो छोटी से काम शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमें कॉन्फिडेंस आएगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो हमें कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। कॉन्फिडेंस गेन होगा तो हम क्या करेंगे, हम छोटी से बड़ी, मीडियम में, मीडियम से फिर लार्ज में चले जाएंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन में क्या आप है, डेफिनेशन में ये है कि SMCS इंडस्ट्री किसे कहते हैं, वो इंडस्ट्री जो बिल्कुल छोटे पैमाने पर शुरू की जाती है, या वो इंडस्ट्री जिसको शुरू करने के लिए कम पैसे और कम प्लेस की ज़रूरत होती है आपके पास। ये आपकी है डेफिनेशन। जब आप पढ़ेंगे इसको, स्टडी करेंगे डेफिनेशन को सीरियसली, आपको ज़रा सी भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। कोई भी डिफ़िकल्टी हुई कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि सर हमें ये डिफ़िकल्टी आ रही है। अब इसके क्वेश्चन में देखें, रोल एंड इम्पोर्टेंस। आपकी बुक अक्सर डिफरेंट बुक्स में देखें, चाहे वो पंजाब स्टूडेंट्स के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बुक लगाई हुई है अजीम अकेडमी वालों ने या आगा ताहर ने, उसमें आपको 12 पॉइंट्स दिए हुए हैं। लेकिन बच्चों का यही, हमारे यूट्यूब चैनल पे आने का आपको यही तो फायदा है। हम अगर शॉर्ट, अगर किसी बुक में किसी क्वेश्चन के कम दिए हों हेडिंग्स, हम उसको आपको वो उतनी हेडिंग्स देते हैं जितनी आपके पेपर की रिक्वायरमेंट है। तो आपके पेपर की रिक्वायरमेंट ये है कि 15 हेडिंग्स आपके पेपर की होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए। तो आपकी बुक में 11 से 12 हेडिंग्स थी, चाहे वो सरगोधा यूनिवर्सिटी की बुक है, चाहे वो गुजरात यूनिवर्सिटी की बुक है, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक लगवाई हुई है अजीम वालों की या आगा ताहर वालों की। मैंने देखें आपको 15 हेडिंग्स आपको बताई हैं। इन 15 हेडिंग्स में आपने एक काम लाजमी करना है। देखें हर हेडिंग में आपने 2019 से 2020 के दरमियान कुछ ना कुछ परसेंटेज लिख देनी है। जैसे हेडिंग नंबर 1 है तो इसमें आप लिख दीजिएगा इन 2019 टू 2020 आपका ये आगे पॉइंट का नेम लिखने के बाद जी इतनी परसेंटेज है, 40% है या 30% है, खुद से करीब करीब खुद से लिखाइएगा। हर एक हेडिंग में आपने 40, 30, 45, 50 कुछ ना कुछ परसेंटेज लाजमी लिख के आनी है। अगर आप बच्चों को ये परसेंटेज लिखने का तरीका नहीं आता तो हमारी इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान की क्वेश्चन नंबर 1 की आपने वीडियो लाजमी देखें। उस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि परसेंटेज लिखने का तरीका कैसे होता है, ठीक है। तो इस परसेंटेज को देख लीजिएगा, लाजमी लिख के आइएगा, ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपके पास 15 हेडिंग्स हैं। बाकी वीडियो को अभी मैं पॉज कर देता हूँ आपके पास, ताकि आप क्लियर कट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपको परेशानी नहीं बनेगी। लेकिन जाते जाते वीडियो को कंप्लीट देखा करें, इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी चैनल को करें। देखिए आपका फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा नहीं है। हमारा अगर आप ना भी सब्सक्राइब करेंगे या ना भी लाइक करेंगे तो इसमें हमारा क्या जाना है। लेकिन हमने तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है ना। तो आप बच्चों का फ़ायदा किस में है, अगर आप कभी भी, आपको फ़र्ज़ करें कोई क्वेश्चन निकालने में परेशानी बनती है, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपकी स्क्रीन के सामने फौरी तौर पर आ जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल पर विज़िट करने को बोल लें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 देंगे इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।